बुद्ध और बुद्धू में क्या अंतर है? बुद्धि का यानी बुध का। जी हाँ, प्लैनेट सीरीज में हमारा आज का ग्रह है बुध, मरकरी, द ग्रीन प्लैनेट। ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं अंशुमान अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने दो शब्द सुने होंगे, मर्क्यूरियल टेम्परामेंट और मरकरी द एलिमेंट। तो मरकरी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे मानव स्वभाव से लेकर विज्ञान तक अपने नाम पर शब्द मिले। वस्तुतः आजकल की दुनिया बुध की दुनिया है। ज्योतिष में बुध को व्यापार तथा संचार, संपर्क व सूचना का ग्रह माना गया। तो आप देखिए, आज की दुनिया दो पहियों पर चल रही है, बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड कम्युनिकेशन, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविज़न, इंटरनेट, मीडिया आदि नामों से जानते हैं। लाल किताब ज्योतिष में तो बुध को सभी ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया। यहाँ तक कहा गया कि अगर सिर्फ एक बुध अच्छा हो तो बाकी ग्रहों की कमियाँ भी दूर कर देता है। राहु बहुत तकलीफ देने वाला ग्रह है, पर लाल किताब ने राहु के दोष से बचने के लिए बुध को मजबूत करने को कहा। अगर ग्रहों में सूर्य पिता व राजा है तो बुध युवराज व मंत्री है। आधुनिक विश्व में यह मिनिस्टर्स, काउंसलर्स, पीआर कंसल्टेंट्स को दिखाता है। एक बार सुनकर बात याद रख लेना तथा उसे हूबहू वापस सुना देना, यह बुध का गुण है। इसीलिए यह बच्चों के 10 साल तक के सबसे अधिक दिमागी विकास वाली उम्र पर अधिकार रखता है, जिस समय ब्रेन में ग्रैस्पिंग पावर और मेमोरी का विकास होता है। इसके देवता गणेश व देवी सरस्वती हैं, जो विद्या बुद्धि के स्वामी हैं। इसी कारण प्राचीन भारत में बच्चों को गणपति व सरस्वती उपासना का नियम दिया गया, जिससे उनमें बौद्धिक क्षमता का पूर्ण विकास हो। ज्योतिषी बुध के अधिकार में आते हैं, यानी हम आप जो सुन रहे हैं और मैं जो बोल रहा हूँ। अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने एक बात समझी, बुध इसी तरह गंभीर माहौल को भी हल्का फुल्का कर देता है, जैसा अभी मैंने किया। बृहस्पति की पढ़ाई में बहुत गंभीरता है, आप लिबर्टी नहीं ले सकते, पर बुध हंसते खेलते पढ़ाता है। इसीलिए हमारी दुनिया में बुध के रिप्रेजेंटेटिव बच्चे हैं जो हंसते खेलते पढ़ लेते हैं। ज्योतिष में भी शायद सबसे छोटा ग्रह होने के कारण बुध को बच्चा कहा गया। बुध स्वाभाविक शुभ ग्रह है, न तो पुरुष ग्रह न स्त्री ग्रह, बल्कि एक नपुंसक ग्रह माना गया। तो कुंडली में जैसे ग्रह यानी शुभ ग्रह या पाप ग्रह के साथ संबंध बनाता है, वैसे स्वभाव का बन जाता है और वैसे ही परिणाम देता है। चूँकि इसे बालक व बुद्धि का ग्रह कहा गया, तो जैसे बालक को किसी बड़े व्यक्ति की और बुद्धि को किसी अच्छे विचार की आवश्यकता होती है, उसी तरह बुध को भी किसी आधार की ज़रूरत है। शायद इसीलिए बाकी ग्रह तो सूर्य से दूर दूर यानी जोडियक में 180 डिग्री दूर तक जाते हैं, स्वतंत्र हैं जाने के लिए, पर बुध कभी भी सूर्य से 28 डिग्री से दूर नहीं जाता। 28 डिग्री तक जाते ही वक्री होकर यानी अपनी चाल पीछे को मोड़कर सूर्य की तरफ आने लगता है। यह आमतौर पर कुंडली में सूर्य या शुक्र के साथ बैठा मिलता है। अकेले बैठे बुध की शक्ति कम हो जाती है। अच्छे बुध से प्रभावित व्यक्ति रजोगुणी होते हैं, यानी दुनिया में मस्त रहने वाले, घूमने फिरने के शौकीन। कभी भी एक बात या एक विचार पर ज़्यादा देर टिक नहीं सकते। ऐसे लोगों को विविधता में मज़ा आता है, कई कार्य एक साथ कर सकते हैं। केवल बुध में ही किसी को मल्टी टैलेंटेड बनाने की क्षमता है, पर यही बात उसकी कमजोरी भी बन जाती है। ये कई सारे कार्य एक साथ करने लगते हैं या एक कार्य छोड़कर दूसरा कार्य करने में लग जाते हैं और कोई कार्य पूरा करने के प्रति गंभीर नहीं रह पाते। लेकिन अगर कुंडली में बुध बहुत अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति कई कार्यों को एक साथ कर लेने वाले महारथी बन जाते हैं। इसीलिए शेयर मार्केट पर बुध का सिक्का चलता है और शेयर ट्रेडर्स, ब्रोकर्स बुध प्रभावित व्यक्ति होते हैं जो एक ही समय में बहुत सारा डेटा एनालिसिस और निर्णय कर सकते हैं। मैथ्स, साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, ट्रेड, ये सब बुध के विषय हैं। हर ऐसा कार्य जिसमें बहुत बुद्धिमानी की ज़रूरत है, उसका विचार बुध से किया जाता है। बुध प्रधान व्यक्ति शारीरिक श्रम वाले काम पसंद नहीं करते, जो सूर्य या मंगल प्रभावित व्यक्ति करते हैं, बल्कि वे मानसिक श्रम वाले काम पसंद करते हैं, जिसमें एक जगह बैठकर काम करना हो
और कम समय में अधिक पैसा कमाने का मौका हो। साथ ही ये कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंश्योरेंस, ब्रोकरेज, टूर एंड ट्रैवल, मीडिया इंडस्ट्री में भी बहुत सफल होते हैं। बुध बहुत विद्वान व सभी शास्त्रों का पंडित है। इसके गुण चंद्रमा व गुरु से बहुत मिलते हैं। जैसे चंद्रमा मन का ग्रह है और कहीं टिक नहीं सकता, वैसे ही बुध बुद्धि का ग्रह है और सदा बदलता रहता है। पर साथ ही जैसे गुरु बहुत गंभीर और सभी विद्याओं का स्वामी है, वैसे ही बुध गहरी सोच रखने वाला और गणित से लेकर साहित्य हर तरह की विद्या पर अधिकार रखता है। असल में बुध में चंद्रमा और गुरु दोनों के गुण होते हैं। इसके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। पुराणों में एक कथा आती है कि चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के यहाँ शिक्षा लेने गए। वहाँ उन्हें बृहस्पति की पत्नी तारा से प्रेम हो गया, जिससे बुध का जन्म हुआ। इस बात को लेकर चंद्रमा व गुरु में भयंकर युद्ध हुआ, जो देवताओं के हस्तक्षेप से बंद हुआ। गुरु ने तारा व चंद्रमा को क्षमा कर दिया, बुध को भी क्षमा कर दिया और बुध को अपने सौतेले पुत्र के रूप में अपना लिया। गुरु ने बुध को शिष्य बनाकर संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान दिया। इसीलिए जहाँ बुध में अपने पिता चंद्रमा जैसी सुंदरता है, वहीं अपने सौतेले पिता गुरु का संपूर्ण ज्ञान भी है। गुरु हमें सोच की ऊंचाई देता है, बहुत उच्च स्तर के ज्ञान का हृदय में उतरना। बुध उस ज्ञान को कागज़ पर उतारकर दुनिया के सामने रख देता है। इसीलिए अगर गुरु प्रवचन देता है तो बुध उसका शिष्य बनकर उसे कागज़ पर लिख लेता है। इसीलिए बुध लेखन और छपाई यानी प्रिंटिंग इंडस्ट्री का मालिक है और आधुनिक दुनिया में टीवी और इंटरनेट का भी, यानी हर वो माध्यम जिससे सूचना और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाता है। बुध प्रधान व्यक्तियों की स्मरण शक्ति अद्भुत होती है। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती है, हंसना हंसाना पसंद करते हैं और बेफिक्र रहने वाला बच्चों जैसा स्वभाव होता है। भाषा पर इनका असाधारण अधिकार होता है। अगर मंगल तलवार से क्रांति की इबारत लिखता है तो बुध कलम से। ऐसे व्यक्ति अद्भुत वक्ता भी होते हैं। बड़ी सभाओं में बोलने में इन्हें आनंद आता है। बुध ज्योतिष में मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। इसकी उच्च राशि कन्या और नीच राशि मीन है। इसकी दिशा उत्तर स्थान, खेल का मैदान और रंग हरा है। प्रकृति में हरे पेड़ पौधे व पक्षी और हमारे घर में मामा, बुआ और बहन का कारक है। इसका रत्न पन्ना या एमरल्ड है। बुध इन चीज़ों का कारक है। कुंडली का चौथा व दसवां भाव, हमारे सूंघने, छूने व बोलने की क्षमता, मेमोरी IQ, किसी बात को समझने व समझाने की क्षमता, डिप्लोमेसी, लाइजनिंग, व्यापार, शेयर ट्रेडिंग, मीडिया। हमारे शरीर में बुध इन चीज़ों का कारक है। ब्रेन, नर्वस सिस्टम, लंग्स, इंटेस्टाइन्स, स्किन, ENT यानी ईयर, नोज, थ्रोट। बुध का त्रिदोष यानी कफ, पित्त, वात तीनों पर अधिकार है। पर यह तीनों तरह के दोष तो उत्पन्न करने की क्षमता रखता है और उनसे जुड़े तीनों तरह के रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, पर मुख्यतः यह वायु तत्व का कारक ग्रह है। अगर किसी की कुंडली में खराब हो तो त्वचा रोग, पाचन तंत्र यानी डाइजेशन संबंधी रोग, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यहाँ तक कि पैरालिसिस भी दे सकता है। अगर किसी की कुंडली में बुध खराब हो तो व्यक्ति में सोचने, समझने व सही निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। वह जल्दी घबरा जाता है। उसके मन में हमेशा एक अनजाना भय समाया रहता है और वह उससे नर्वस होते रहता है। फालतू गप्पे मारना, असभ्य भाषा का प्रयोग करना, हकला कर बोलना, बिना मतलब झूठ बोलना, भुलक्कड़ होना, जो व्यक्ति पसंद नहीं हो उसे देख नहीं सकना और उधार लेकर ऐश करना, बिना ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर जमा करते जाना यानी कंपल्सिव बायर होना, ये सब बातें उसके स्वभाव में आ जाती हैं। बुध अगर किसी की कुंडली में शक्तिशाली हो पर पाप ग्रहों के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हो, तो यही लोग बड़े बड़े हैकर्स, टैक्स इवेडर्स, मनी लॉन्डरर्स और नोटोरियस ब्रोकर्स बनते हैं, जो अपनी बुद्धि का गलत उपयोग करते हैं। अगर आपके सूंघने की शक्ति कम हो गई हो और आपके नाभि में समस्या आ रही हो, तो समझ लेना चाहिए कि आपका बुध खराब हो गया है। आपको तुरंत आगे जो उपाय मैं बता रहा हूँ, जिनसे चमत्कारी लाभ होते हैं, उन्हें ज़रूर करना चाहिए। पहला उपाय, फिटकरी से दांत साफ करें।
दूसरा उपाय, हरी चीज़ों का प्रयोग करें। तीसरा, कलर थेरेपी का प्रयोग करें। एक हरे रंग की शीशे की बोतल लें, उसमें पानी भरकर सूर्य की रोशनी में गर्म होने के लिए छोड़ दें, बाद में उस पानी को पी लें। चौथा उपाय, तांबे के गिलास में पानी पिएं। पांचवा उपाय, संदिग्ध चरित्र व सोच वाले व्यक्तियों का साथ न करें, क्योंकि कमज़ोर बुद्ध वाले व्यक्ति दूसरों की गलत सोच से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। छठा, हड़बड़ी का त्याग करें। कोई भी काम करने से पहले दो चार बार विचार अवश्य करें। सातवां, बुद्ध के बीज मंत्र ओम बुम बुधाय नमः का जप करें। आठवां, और यह महा उपाय बता रहा हूँ आपको, बुद्ध के देवता गणपति और विष्णु हैं। बुध ग्रह गणपति व विष्णु पूजा से बहुत प्रसन्न होता है, सो गणपति अथर्वशीर्ष व विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करें, विशेषकर तब जब आपकी बुद्ध की महादशा या अंतरदशा भी चल रही हो। अब मैं बुद्ध की अन्य ग्रहों से युति यानी कॉम्बिनेशन से, जब कुंडली में दो ग्रह एक साथ एक ही भाव में बैठते हैं तो उससे क्या परिणाम होते हैं, उस पर विचार करते हैं। बुध सूर्य युति, ज्योतिष में इसे बुधादित्य योग कहा गया। व्यक्ति बहुत तेज दिमाग वाला व अच्छी स्मरण शक्ति वाला बन जाता है, पर स्किन डिजीज से भी परेशान रहता है। बुध चंद्र युति, व्यक्ति अत्यंत कल्पनाशील होता है, प्रसिद्ध लेखक व वक्ता होता है, पर अगर दोनों में से कोई भी ग्रह दूषित हो तो मानसिक अस्थिरता देता है, व्यक्ति पागल भी हो सकता है। बुध मंगल युति, यह दोनों दुश्मन ग्रह हैं, इनके मिलने से व्यक्ति में मेंटल एग्रेशन आता है, व्यक्ति हाजिर जवाब हो जाता है पर पैसे की तंगी से जूझता रहता है। बुध गुरु युति, शिक्षा और ज्ञान के दो ग्रहों की युति से व्यक्ति असाधारण प्रतिभाशाली बन जाता है, किसी भी विषय को तुरंत सीख जाता है और अद्भुत भाषण दे सकता है, पर अपनी प्रतिभा का कैसे उपयोग किया जाए उसी उधेड़ बुन में फंसा रह जाता है। बुध शुक्र युति, इसे लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है, व्यक्ति महाधनी होता है, संगीत में प्रतिभा होती है, बड़े बड़े संगीतज्ञों की कुंडली में यह योग होता है, खासकर गायकों में। बुध शनि युति, आमतौर पर यह अच्छी युति नहीं होती है, व्यक्ति की बुद्धि तो बहुत तेज होती है पर इसका उपयोग वह आम तौर पर दूसरों को धोखा देने के लिए करता है, दूसरों के पैसे हड़प जाता है। बुध राहु युति, बुध राहु के साथ भटक जाता है, व्यक्ति सिजोफ्रेनिया का शिकार हो सकता है, अपनी सोच को स्पष्ट रखें। बुध केतु युति, ऐसा व्यक्ति या तो बहुत ही ज़्यादा तेज दिमाग का होता है या बिल्कुल बुद्धू, पूरा जिद्दी होता है। अगर बुध कुंडली में कमज़ोर हो तो अपने गलत निर्णयों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है, ऐसे लोगों को विशेष रूप से गणपति साधना करनी चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि बुध का ज्योतिष में क्या स्थान है, कितना महत्वपूर्ण ग्रह है और हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो के अगले पार्ट में हमने बुध की कुंडली में विभिन्न भावों में स्थिति से होने वाले परिणामों की चर्चा की है और यूनिक रेमेडीज़ बताई हैं। उस वीडियो को कृपया ज़रूर देखें, इस वीडियो का पूरा लाभ उस वीडियो को देखने से आपको पूरा मिलेगा। तो मित्रों, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार,